Uh, कैसे लगे देखेंगे अपने कॉम्पिटिशन को बिकॉज हाई क्लास टॉप फाइव सिक्स जो थे सब एटी सेवन एटी एट फेंक रहे थे जी बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिशन रहा और अरसद अच्छी तैयारी में था उसने बहुत अच्छी थ्रो लगाई uh, जब अरसद ने थ्रो लगाई भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर का जो मार्क है पूरा नहीं किया लेकिन जो भी 92 97 था पता नहीं अजीब सा बिलीव आया खुद में कि मार सकते हैं हम भी और uh, बहुत ही अच्छी थ्रो थी लेकिन पता नहीं आज जो रनवे है वो शायद से उस आ, वो ऐसा नहीं आया जो आना चाहिए था और आ, वही जो मुझे ग्रोइन में एक प्रॉब्लम रहती है वो आ, बार बार उसकी तरफ ज़्यादा दिमाग जा रहा था कि ज़्यादा दर्द ना हो जाए तो एक ही थ्रो जो सेकेंड थ्रो था वही थ्रो मेरा नप पाया बाकी सभी फाउल थे लाइन पर गिर रहा था या फिर आ, जो भी है पर फाइनली अपने देश के लिए मेडल जीतता वो आ, सबसे अच्छी बात है और अपना फ्लैग चारों तरफ लेके जाने का मौका मिला तो वो उसके लिए काफ़ी खुशी है एक होता है ओलंपिक आते हैं मेडल जीतने के लिए एक एक खिलाड़ी का कोड होता है अर्शद आपके साथ बहुत क्लोज है यू लॉस्ट टू हिम बट हाउ प्राउड आई यू कि आज उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया नहीं अच्छा जी हमेशा 2016 से अभी तक खेल रहे थे तो हमेशा जितने भी कंपटीशन खेले हमेशा भगवान ने अपना साथ दिया मैं जीतता रहा था आज अपना दिन नहीं था आज पूरा आ, भगवान का जो ध्यान था अरसद की तरफ था और वो अच्छा है कि स्पोर्ट्स में जो भी है हमको चाहे अच्छे से अच्छा है या बुरे से बुरा एक्सपीरियंस है हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि एक बार फाइनल हो जाए तो फिर कुछ नहीं रहता हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है और हमें हमारी जर्नी यही सिखाती है कि हमेशा अपनी मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो तो जो भी आज का है उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो कमी है उनको उनके ऊपर काम करेंगे और आगे पे फोकस करेंगे आने से पहले मैंने आपसे पूछा था इंडियन कंटीजेंट के बारे में इट्स बीन डिसअपॉइंटिंग एज वेल मेडल्स भी आए हैं कैसे आप देखते हैं इंडिया का जिस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ है इस ओलंपिक्स में देखो मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि पिछले ओलंपिक्स में क्या था उससे पीछे क्या था हम मेडल्स तो गिनते हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी देखो क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो बाकी कंट्री मेहनत करी है और ओलंपिक जैसी जगह पे आ, हमेशा शायद प्लानिंग से चीज़ नहीं होती आ, प्लान कुछ और बना के आते हैं शायद उस पर नहीं होता जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि काफ़ी एथलीट जो वर्ल्ड के टॉप एथलीट है वो भी शायद फाइनल में नहीं पहुंच पाए पोडियम फिर नहीं कर पाए तो ऑलरेडी जितना एथलीट्स ने हमारे एथलीट्स ने किया है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और ये साइन है कि आ, और अलग अलग स्पोर्ट्स में है सबसे अच्छी बात यह है सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई एक दो स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो हमारे पास काफ़ी अच्छे एथलीट हैं और आ, का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इंडिया का स्पोर्ट्स में तो आ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं अपने इंडिया के लोगों से कि निराश ना हो जो, जो भी परफॉर्मेंस रही है एथलीट बिल्कुल सीखेंगे जिसकी अच्छी रही है वो भी यहां से काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे जिसकी थोड़ी कमी रही है वो भी सीख के जाएंगे तो आप साथ देते रहिए और हम मेहनत करते रहेंगे हमारा जो काम है हम मेहनत करते रहेंगे ऐसा मत मानो कि हम एफर्ट नहीं लगा रहे हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं पर वो शायद दिन अपना नहीं होता उस दिन पर हम मेहनत पूरी करते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराने के लिए थैंक यू नीरज कंग्रेचुलेशन वंस अगेन थैंक यू